किसानों के बुलावे पर झरोठी गांव में एक घंटा देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान खरखोदा उपमंडल के किसानों के खेतों का हाल बखूबी देख लिया है। खट्टर ने कहा कि वो खुद एक किसान के बेटे हैं और उन्हें किसान का दर्द अच्छे तरीके से पता है। वहीं उपमंडल खरखोदा के किसानों ने भी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगवान का दर्जा दे दिया और कहा कि वही उनके तारनहार हैं। किसानों ने खट्टर को खेती का प्रतीक हल उपहार स्वरूप देकर उनका सम्मान किया। हजारों की भीड़ में जमा किसानों ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो उनके दुख दर्द को दूर करते हुए उन्हें राहत दे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सबका दुख दर्द समझते हैं और उनके दुखों के इलाज के लिए ही काम कर रहे हैं। और झरोठी गांव में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करीब 25 करोड़ रुपए की सौगात खरखोदा उपमंडल के किसानों के लिए दे दी। झरोठी गांव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस इलाके के मेंबर पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी पंचायत उसके जो मेंबर हैं, श्री रमेश कौशिक जी, हमारे इस इलाके के विधायक, हराई इलाके के श्री मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर से हमारी विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, थोड़ा सुचारू रूप से चलाना है हमारे परम सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राणा जी को शाम बैठ रहे हैं, सुनील टिंकू जी आओ भाई, सुनील टिंकू जी उसके साथ है। चल विनंबर नहीं है जी, अपने आखिरी आदमी है जो सबसे पीछे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम किया जाए, ये है अंत्योदय। इसके लिए लगातार जीवन समर्पित किया। राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई तुम्हें विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। मैं बड़ा हैरान हो गया, एकदम क्यों कह रहे हैं मुझे विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे जैसे जिम्मे काम लगाया जाता ना, जैसे घर में हम किसी का काम लगावा जिम्मे, भाई तो नहीं ये काम करके आना है। मैंने कहा ठीक है जी, जो आके हम करेंगे। करनाल की जनता ने अथाह वोट दे करके जिता दिया और हमको हुक्म हो गया, आदेश मिल गया कि हमको विद्यार्थियों की तकलीफ पता है और वहां साथ में हमारे अध्यापक मास्टर उनको क्या क्या तकलीफ होती थी ये भी उस समय जानकारी मिलती थी। कुछ समय मैंने दिल्ली में व्यापार भी किया, व्यापारियों की समस्या भी मुझे पता है।